ओहो, 5 बज गए यार। 4:30 बजे निकलना था, लेट हो गया आज भी। मेरी बॉटल कहाँ है? बॉटल कहाँ है यार? बॉटल ढूंढो ढूंढो, बॉटल नहीं मिल रही। टेबल पे भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, कहाँ गई? तो आज पापा की बाइक लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है। और ये मैंने लगाई चाबी और ये स्टार्ट कर दी। तो ये खड़ा है सुजल और हम अकेडमी के बाहर खड़े हैं अपनी। और अकेडमी के बाहर कोई भी नहीं है, सब लोग जिम पहुँच चुके हैं। हम लेट हो चुके हैं आज। ये आ गए हम जिम, और आज जिम में करेंगे हम तोड़ू वर्कआउट। सब लोग ऑलरेडी जिम पहुंच चुके हैं, वो रहे सारे सब खड़े हुए हैं, बस हम ही लेट हैं बस आज। तो सबसे पहला वर्कआउट हम करने वाले हैं आज स्क्वाट्स। स्क्वाट्स से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जिम में कम से कम 6-7 महीने बाद आज पहली बार गया हूँ मैं यहाँ पे जिम। यहाँ पे मतलब जिम में वर्कआउट करने, और क्योंकि स्टेट कॉम्पिटिशन होने वाले स्टेट में, तो उस वजह से सर एक्स्ट्रा मेहनत करवा रहे हैं जिम में ले जा करके, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाए हम वहाँ पे। और ये मैं लंजेस कर रहा हूँ, मेरी बारी आ चुकी है लंजेस करने की। ये रेड टी शर्ट में मैं ही हूँ, थोड़ा हैवी लग रहा हूँ, बाकी पहले से तो मैं बहुत हल्का हो गया हूँ। सच बताऊँ ना तो वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आया था। वर्कआउट करने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बट दिक्कत जो हुई थी वर्कआउट करके घर आने के बाद हुई थी। तो अभी तो हमने वर्कआउट बहुत मज़े से किया। पहले हमने लंजेस किए, फिर उसके बाद तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद हमने स्टार्ट कर दी थी एक्सरसाइज। और हमने पहले स्क्वाट्स मारे, फिर उसके बाद लंजेस। और ये छोटा बच्चा भी आया था जिम सुबह सुबह 5 बजे, तो ये नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रहा है जो अकेडमी में होती, जैसे कि ये स्ट्रेचिंग कर रहा है। और स्ट्रेचिंग देखो इसकी पूरी खुल रखी, दोनों पैर इधर उधर हो जाते, देखो बिल्कुल सी। ओ भाई, फिर उसके बाद हमने ये डंबल पकड़ के, वेट पकड़ के ये वाले स्क्वाट्स किए थे वाइड लेग करके। लेग वर्कआउट में मज़ा बहुत आया, क्योंकि हम लेग ही ट्रेन करते हैं पूरे साथ हर वक्त, तो लेग वर्कआउट में मज़ा आता है। फिर उसके बाद वेटेड स्क्वाट्स मारे थे हमने, और वेटेड स्क्वाट्स में ज़्यादा वेट नहीं लिया था, लाइट वेट से स्टार्ट किया था और 20 किलो तक गया था मैं। बाकी ये रॉड चुभ रही थी, तो ये इस वजह से तौलिया लगाया कंधे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ना वेटेड स्क्वाट्स करे हुए, तो ये चुभ रही थी बार बार। और आज के ट्रेनर हमारे सर थे, अकेडमी वाले सर। फिर उसके बाद लेग प्रेस मशीन तोड़ी मैंने, तोड़ने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज करी मैंने इस पे लेग प्रेस मशीन पे। और सर ने तो भाई इतना हैवी वेट करवा दिया था, 100 किलो तक लगवा दिया था मेरे से। पहले दिन उठ भी नहीं रहा था मेरे से, तो बस मार रहा था मैं तो। फिर उसके बाद जो हालत हुई है मेरी, ये देखो मेरी हालत, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी नहीं हो पा रही है मेरे से, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा हूँ, इतनी स्लो स्लो चढ़ रहा था। रेलिंग का सपोर्ट ले ले भाई, आज तो मर गए यार, मर गए भाई, मर गए आज तो। देखो हो, हालत तो ऐसी हो गई भाई, बिल्कुल मानोगे नहीं। ये लेग वर्कआउट आज तक का सबसे वर्स्ट वर्कआउट था, क्योंकि इतना पेन कभी नहीं हुआ था मेरे को। और इसके 2 दिन बाद तक मैं अकेडमी नहीं जा पाया था। ओहो, कबूतर ने हक दिया यार टी शर्ट पे। ओहो यार, पैर भी चल गया। आज आज काइंड ऑफ मेरी किस्मत खराब है, आज का दिन बेकार है, क्योंकि सुबह सुबह टांग तोड़ू वर्कआउट करके आ रहे हैं अभी। आज जिम में वर्कआउट था, सर ने कल ही बोल दिया था कि जिम में वर्कआउट होगा, और आज ही सारे पूरे महीने 6 महीने की एक्सरसाइजेस करा दी है आज ही। और लेग्स में इतना पेन हो रहा है कि बस चला ही नहीं जा रहा, सीढ़ियाँ भी मुश्किल चढ़ के आया हूँ। अभी जिम से निकलते ही मैं एक सीढ़ी उतरा और भाई गिर ही गया था वहाँ, तो इतने बुरे हाल हो रहे थे। फिर अभी देव को छोड़ के आया, फिर जब बाइक चला रहा था देव को छोड़ने जा रहा था स्कूल, तो रस्ते में भाई कबूतर नाक दिया टी शर्ट पर, इतना सा बचा है फेस पे से, यूं ऐसे गया था यूं। और फिर उसके बाद जब यहाँ बाइक स्टैंड पर लगा रहा था गली में, पैर जल गया स्कूटी से। आज का दिन पता नहीं क्या क्या होगा, आज दिन बेकार से ही है। आज शनिवार मेरे पे भारी है, आज शनिचर। तो ये चल रहा है हीलिंग प्रोसेस, आइस पैक लगा रखा है। कल फाइट करी मैंने आफ्टर 2 हफ्ते, दोनों पैर टूट रखे हैं अभी, ये देख रहे हो ये पूरे लाल हो रखा है यही हिस्सा। सो सीन्स कुछ ऐसे हैं, अभी मेरे जो वो थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सब ख़त्म हो गए हैं। अभी जाएंगे दोबारा से ड्राई फ्रूट मार्केट और वहाँ से लेके आएंगे संडे को, या फिर नेक्स्ट वीक में जाऊंगा मैं कभी तो लेके आऊंगा। तो अभी के लिए मैं दूध और केले खा रहा हूँ, यही ठीक है, बेस्ट है। तो देखो कबूतर आ रखे हमारे आंगन में, गाइस पता है क्या,
किसी के लिए भी ना कोई एक डाइट परफेक्ट नहीं होती, मतलब कोई एक फूड परफेक्ट नहीं होता। जिसकी बॉडी को जो सूट करता है ना वो फूड उसके लिए परफेक्ट होता है। जैसे बोलते हैं कोई कोई कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, उसके लिए परफेक्ट नहीं होता, कि डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, या फिर वीगन डाइट करनी चाहिए वो उसके लिए परफेक्ट होती है, किसी के लिए नहीं होती। तो ये ना ऐसा कोई वो नहीं है परफेक्ट, ऐसा साइंस ने भी मतलब अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पाए हैं कि किसके लिए क्या डाइट परफेक्ट है। तो जिससे जिसकी बॉडी को जो सूट होता है वो खा सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे को डेयरी प्रोडक्ट सूट करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं खा लेता हूँ, जैसे किसी को नहीं करते, किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं खाता, ऐसा सीन है। तो ऐसे किसी के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक डाइट नहीं है, जैसे जो सूट करता है वो खा लेता है, और मेरे को तो सारी चीज़ें सूट कर जाती है, कुछ किसी से प्रॉब्लम नहीं होती, सभी खाते पीते रहते हैं हम तो। बट ये है कि अब बाहर का बहुत कम हो गया, जैसे मंथ में एक बार खा लिया तो वो भी थोड़ा हेल्दी ऑप्शन ही ढूंढते हैं, जैसे कि हो गया सोयाबीन चंक्स, ये सही रहते हैं, प्रोटीन रहता है इनमें, तो इस तरीके का कुछ ढूंढते हैं। और जाता हूँ तो मैं अमन के साथ ही जाता हूँ, ज़्यादा किसी के साथ जाता नहीं, ज़्यादा देखा होगा आपने भी, कहीं पे जाना होता है तो खाने कभी मन करता है तो बाहर का। वैसे अभी तो स्टेट आने वाले तो इसलिए मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ बाहर का, इसीलिए थोड़ी हार्डकोर प्रैक्टिस चल रही है, आज जिम भी गए थे, कोई नहीं।